हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर पेपलम नेट ड्रेस, जिसके लिए यहाँ पे मैंने नेट ली है वो है 1.5 मीटर, और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है वो भी है 1.5 मीटर, और टॉप पार्ट बनाने के लिए मैंने जो नेट ली है वो है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4-4 में लिया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे, तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 4.5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी 4.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 7 इंचेस। यहाँ पे आपका जो भी चेस्ट का मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाय 4 करना है, और उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैं ले रही हूँ यहाँ पे 14 इंचेस, और यहाँ पे मैं लूँगी कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो इस तरह से ये मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2.5 इंचेस, और लेंथ भी मैं लूँगी 2.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है, इस तरह का शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए, मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमें इसे कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है, तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अभी मैंने नेट का फैब्रिक लिया है जो मैंने राइट साइड पे रखा है, इसके ऊपर हमें बेस फैब्रिक को उल्टा रखना है, और हमें इसे एज इट इज़ कट कर लेना है। तो जैसे मैंने रखा है वैसे ही हमें इसे कट करेंगे, तो इसी तरह से हमें बैक का पार्ट भी कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है, तो मैंने इस तरह के 2 पीस कट कर लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, फैब्रिक को हमने फिर से 4-4 में लिया हुआ है। हम बॉटम का पार्ट कट करेंगे, तो जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे हमें 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है, और ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें इस पॉइंट को हमारी लेंथ तक एक्सटेंड करना है, तो लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 16 इंचेस। तो ये हो गई हमारी लेंथ, यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा पॉइंट है उसे हमें क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है हमारी लेंथ तक, और यहाँ से हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है हमें। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है, तो इस तरह से मैंने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह के 2 पीस है, ये है हमारा बेस का फैब्रिक। देखिए, नेट के फैब्रिक से मैंने इस तरह के रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है 19 इंचेस, और ये ब्रॉडनेस मैंने ली है अप्रॉक्स 1.5 मीटर। तो इस तरह के 2 पीस है हमारे पास। अभी नेट के फैब्रिक को मैंने 4-4 में लिया हुआ है। अब फोल्डेड एरिया से हमें 6 इंचेस पे मार्क करना है, और इस तरफ भी हमें 6 इंचेस पे मार्क करना है, और राउंड शेप ड्रॉ करना है दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। उसके बाद हमें लेंथ मार्क करनी है, तो यहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे 8 इंचेस। यहाँ से भी हमें 8 पे मार्क करना है, और यहाँ से भी हमें 8 इंचेस पे मार्क कर लेना है। तीनों पॉइंट्स को हमें जॉइन कर लेना है, इस तरह से हमें राउंड शेप ड्रो कर लेना है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है, तो इसे ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह का सर्कल आएगा, जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये नेट को मैंने राइट साइड पे रखा है, उसके ऊपर बेस फैब्रिक को हमें उल्टा रखना है, दोनों को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हमें आर्म होल, नेक पार्ट और दूसरे आर्म होल में हमें सिलाई करनी है। उसी तरह से ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर
बेस फैब्रिक को हमें उल्टा रख लेना है और यहाँ पे भी हम आर्म होल, नेक पार्ट और दूसरे आर्म होल में सिलाई करेंगे। और ये जो हमारा बैक का पार्ट है यहाँ पे हम बैक साइड पे कट लगाने वाले हैं, तो यहाँ पे हम वी शेप में सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिलाई लगाते वक्त वी शेप में सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब जहाँ पे हमने वी शेप में सिलाई लगाई थी यहाँ पे हमें कट लगानी है। उसके बाद हम यहाँ पे हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। तो जहाँ पे भी हमने सिलाई की है वहाँ पे हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो सिंपली आप इसे राइट साइड पे टर्न करें। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स को राइट साइड पे टर्न कर लेना है। देखिए मैंने दोनों पार्ट को राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें करनी है शोल्डर फिटिंग। तो दोनों तरफ हम सिलाई लगा के शोल्डर फिटिंग करेंगे और उसके बाद हम फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई करेंगे और इस तरफ भी हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगानी है। देखिए हमने फिटिंग करके इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट है जिसमें हमें गैदरिंग तैयार करनी है। तो यहाँ पर हम लूज स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको बड़े नंबरों की सिलाई करनी है पूरी लेंथ में। उसके बाद हमें एक धागे को अलग करके इसे खींचते जाना है हल्के हाथों से ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। तो इस तरह से पूरी लेंथ में हमें गैदरिंग तैयार करनी है दोनों पार्ट में। ये देखिए हमने गैदरिंग बना दी है। अब इसके साथ हम बेस फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो यह हमारा बेस का फैब्रिक जिसे हमें राइट साइड पे रखना है। इसके ऊपर हमें नेट के पार्ट को रखना है। दोनों की ब्रॉडनेस हमें सेम रखनी है और दोनों को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा के जॉइन करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को हमें जॉइन कर लेना है। इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी बेस फैब्रिक के साथ जॉइन करेंगे। ये देखिए हमने जॉइन कर लिया है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है। उसके बाद हमें फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें 1 इंच जितना लाइन ड्रॉ करना है जहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। 1 इंच जितना हमें सिलाई लगा के इसकी फ़िटिंग करनी है दोनों को साथ में। उसके बाद की फ़िटिंग हमें अलग से करनी है। तो जो हमारा नेट का फैब्रिक है उन दोनों को मिलाते हुए हम नीचे तक सिलाई करेंगे और जो हमारा बेस का फैब्रिक है उन दोनों को मिलाते हुए हम नीचे तक सिलाई करेंगे। तो हम 1 इंच तक इसे सिलाई लगा के फिक्स करेंगे। उसके बाद की फ़िटिंग हम सेपरेटली करेंगे। देखिए हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है फिटिंग करके। अब ये जो हमने राउंड सर्कल कट किया था उसकी बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। देखिए हमने बॉर्डर फोल्ड कर ली है। अब यहाँ पे हमें प्लीट्स लेनी है। तो सबसे पहले सेंटर में हम एक बॉक्स प्लीट तैयार करेंगे। दोनों तरफ से हमें इक्वल पार्ट्स फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमें बॉक्स प्लीट तैयार करनी है और इसे हमें पिन कर लेना है। उसके बाद इस तरफ हमें एक और प्लीट्स लेनी है जिसे भी हमें पिन कर लेना है और इस तरफ भी हमें एक प्लीट्स लेनी है। और इसे भी हम पिन करेंगे। इस पार्ट को हम फ्रंट साइड में यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा के लॉक कर लिया है। अब इसको हम बॉटम पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो इसके ऊपर हमें इसे रखना है और ये जो हमारा पूरा सर्कल है उसमें हमें पिन कर लेना है। उसके बाद हम सिलाई लगा के लॉक करेंगे। दोनों को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हम पूरे राउंड में इसे पिन करेंगे। ये
यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। देखिए ऐसे हमने सिलाई लगा दी है। अभी हमारा टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइन करना है, तो इसकी जो ब्रॉडनेस है वो हमारी सेम होनी चाहिए। अब इसके ऊपर टॉप का पार्ट हमें इस तरह से उल्टा करना है, सेंटर हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद हम इस तरह से दोनों को अच्छे से मिलाइए। उसके बाद हमें यहाँ पे भी पिन कर लेना है। इस तरह से हमारा टॉप और बॉटम जॉइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। देखिए हमने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है, तो इसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे। इसी तरह से ये जो हमारा नेट का फैब्रिक है उसे आप चाहे तो पीको कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा डिज़ाइनर पेपलम नेट बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही में उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।